हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज अभी देख सकते हो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और काफ़ी भाई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि अगर हम लोग को एयरपोर्ट वगैरह में जॉब करनी है तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारी एलिजिबिलिटी जो यानी कि हम किस एज में यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं और यहाँ पर नहीं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग कैसे काम पा सकते हो एयरपोर्ट वगैरह में। और काफ़ी भाई लोग पढ़े लिखे होते हैं और ये लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई हमने हाई स्कूल पास किया है, इंटरमीडिएट पास किया है, तो क्या आपको एयरपोर्ट में जॉब मिलेगी। अगर मान लेते हैं अगर आप लोग हाई स्कूल पास नहीं हो तो आप लोग को क्या जॉब वहाँ पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और एयरपोर्ट में क्या क्या जॉब वहाँ पे रहती है। ऐसा नहीं कि बस आप लोग को ऐसे ले लेंगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूल वगैरह भी हैं, कानून वगैरह भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा उसमें जैसे मांगते हैं ना कि हमको इंटरमीडिएट चाहिए, ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, यानी काफ़ी ज़्यादा वो लोग यानी कि आपको बात कर सकते हैं। और जब आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एयरपोर्ट में जॉब आप लोग को कैसे मिलेगी, कहीं पे पूरी दुनिया में। अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हो, चाहे सऊदी आना चाहते हो, चाहे दुबई जाना चाहते हो, चाहे किसी भी कंट्री जाना चाहते हो, आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी होती है। आज हम कैटेगरी की बात करने वाले हैं, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट होती है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो और छोटी कैटेगरी छोड़ देते हैं, छोटी कैटेगरी के बारे में अगर आप लोग चाहते हो ना, आप लोग एक बार कमेंट कर देना ताकि मैं आप लोग को बताऊं कि जिसमें आप लोग 30-40 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो, छोटी कैटेगरी आती है। लेकिन जो बड़ी कैटेगरी है इसमें आप लोग को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो हाय मेरे दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा गलत लाइक करना। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग अगर कुवैत आना चाहते हो, चाहे सऊदी जाना चाहते हो, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री जाना चाहते हो, यहाँ तक कि अगर आप लोग इंडिया में जॉब करना चाहते हो, अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, जैसे बाहर आना चाहते हो, तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं सोच रहा था और काफ़ी भाई लोग ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे, भाई एक वीडियो बनाइए जो कि एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट के लेकर है, जो कि एयरपोर्ट में जो भर्ती वगैरह होती है 2023 में किस तरीके से होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं जो डिग्री वगैरह की। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हो तो आप लोग को कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए और आप लोग की इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आप लोग ऐसे कुवैत में आ जाओ और चाहे ऐसे सऊदी में चले जाओ, चाहे ऐसे दुबई में चले जाओ, तो आप लोग को एयरपोर्ट में ज़िंदगी मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, आप लोग को वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा होता है, जैसे कि आप लोग का बोल चाल कैसा है, यानी कि किस तरीके से आप बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, वहाँ पे ये भी देखते हैं। और इसमें आप लोग को क्या जॉब मिलेगी, तो सबसे बड़ा जो सवाल है हमारा, हमको जॉब मिलेगी तो वहाँ पे किस टाइप की मिलेगी। तो एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, ऐसा नहीं कि बस आप लोग वहाँ पे जाओगे और बोलो भाई हमको जॉब चाहिए, तो आपको बोलेंगे भाई आपका बेसिक नॉलेज क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या है, आप किस काम के लिए अप्लाई किए हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जब फ्लाइट वगैरह आती है वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप लोग कभी जाना, अगर आप लोग जाओगे तो ओमान हो गया, चाहे सऊदीया हो गया, चाहे किसी भी कंट्री जाओ, आप लोग को लगभग 90% ज़्यादा लोग मिलेंगे वहाँ पे जो गाड़ी वगैरह चलाते रहते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, कभी फोर क्लिप हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी बस वगैरह हो गया, आप लोग को देखने को मिलेगा ना, हमारे इंडिया वाले भी हैं। और इंडिया वाले कैसे घुसते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश आती रहती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, इसी वजह से उनको वहाँ पे जॉब मिलती है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ लिख कर नहीं आते हो, जैसे कि अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हम जाएंगे, बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे गांव वगैरह के और काफ़ी लोग ऐसे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, भाई हमको पढ़ना लिखना नहीं है, हमको जाना है बाहर, सऊदी जाना है, कुवैत जाना है, दुबई जाना है, कतर जाना है, ओमान जाना है, और भी गल्फ कंट्री जाना है। तो वो लोग क्या बोलते हैं ना कि हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है और हम पहले जाकर वहाँ पे अच्छी जॉब करेंगे और हम 8 पास हो जाते हैं, कौन पढ़ेगा भाई 10 के रात 12 के रात, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है, और जब तक हम पढ़ेंगे वहाँ पे तब तक हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मूर्खता वाली बात होती है, क्योंकि ये जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा, चाहे किसी भी कंट्री जाओ, चाहे घर छोड़कर आप लोग कहीं भी दूर जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बेंगलुरु जाओ, किसी भी जगह जाओ, जो बंदा पढ़ा लिखा होता है उनको वहाँ पे पता चल जाता है ये बंदा पढ़ा लिखा है, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ना उसकी बोल चाल से मालूम हो जाता है ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है। जब आप लोग इस तरीके से बात करोगे ना किसी दूसरे ऑफिस में, तो आपको पूछ लेंगे भाई आपकी बेसिक नॉलेज क्या है, आप लोग तो बता नहीं पाओगे ना, बोलेंगे भाई हम 8 पास हैं, चाहे आप लोग किसी भी जगह का जाओ तो बोलेंगे अच्छा इस बंदा इसी लायक है, तो इसको हम उस हिसाब से जा देंगे। ऐसा नहीं कि आपको 50 हज़ार की जॉब दे देंगे, आपको क्लिनिक में रख लेंगे, आपको फलाने जगह रख लेंगे, यानी कि आपको उस हिसाब से पोस्ट नहीं मिलेगी। और गैस जो बंदे पढ़ लिख कर कुवैत में आते हैं, जो हमारा टॉपिक था कि एयरपोर्ट वगैरह में, तो अगर आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास होकर आते हो और यहाँ पे काफ़ी ज़रा जैसे कि रिक्वायरमेंट रहती है ना, जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना,
आप लोग को पता चल जाएगा। जब भी आप लोग सऊदी वगैरह जाओ, चाहे दुबई जाओ, किसी भी गल्फ कंट्री जाओ, तो एयरपोर्ट में क्या रहता है ना, आप लोग को सबसे फर्स्ट तो काम इंग्लिश आनी चाहिए, नंबर दो आपको वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, नंबर तीन क्या है आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा मोड़ा हैंडसम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी बंदे को वो लोग रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू होता है भाई। इंटरव्यू में क्या रहता है ना, आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, आपका इंग्लिश स्पीकिंग हो गया और आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ का अगर आप लोग के अंदर यानी कि है, यानी कि आपका अंदर क्वालिटी है, तो आप लोग को कोई भी नहीं रोक सकता है यहाँ पे कुवैत में या दुबई में, चाहे किसी भी जगह कंट्री में, किसी भी जगह यानी मैंने रखता है। अगर आप लोग काम करना चाहते हो एयरपोर्ट में, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग कुवैत एयरपोर्ट में काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी वाले होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी होते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, जैसे कि ड्राइवर हो गया, और ये बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग कमाते हैं 400 दिनार, 350 दिनार मंथली कमाते हैं एयरपोर्ट में गाड़ी चलाकर, और कुछ नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वगैरह काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे यानी कि देख रेख रखते हैं, देख रेख रहती है कौन फ्लाइट कब आई, वहाँ पे क्या सामान घटा है, क्या बढ़ा है, यानी कि पूरा देखते रहते हैं, क्योंकि भाई लोग काफ़ी ज़रा जैसे बोलते हैं ना, नॉलेज वाले होते हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। और गाइस, आज वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर हम चाहें तो वीडियो को बहुत ही बड़ी कर सकते हैं, तो वीडियो को हम बड़ी नहीं करते हैं। चलिए, एक टॉपिक छूट गया जिसमें आप लोग अगर आना चाहते हो, जैसे कि काफ़ी भाई लोग बोलते हैं भाई, अगर हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह करके आते हैं, यानी कि हम अगर काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई कर कर आते हैं, तो हमको एयरपोर्ट में क्या पोस्ट मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एयरपोर्ट में पोस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलती है। ऐसा नहीं कि आप लोग को पहले दिन से आपको बैठा देंगे बड़ी पोस्ट पर, आप लोग जब भी आओगे पहले छोटी पोस्ट पर, फिर उसके बड़ी पोस्ट पर, फिर आपका धीरे धीरे प्रमोशन होता जाएगा, और फिर आप लास्ट में जाकर आप लोग वहाँ पर अच्छा खासा मकाम हासिल कर सकते हो, जो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग सऊदी जा रहे हो, तो आप लोग को वहाँ का इंटरव्यू अलग होता है, कुवैत का इंटरव्यू अलग होता है, और दुबई का इंटरव्यू अलग होता है। अब बात कर लेते हैं जो सैलरी की बात होती है, रियाल सऊदी में चलता है, दिनार कुवैत में चलता है, दिरहम दुबई में चलता है, और हर जगह अलग अलग करेंसी के हिसाब से आप लोग को वहाँ पर सैलरी डिसाइड होती है। तो गाइस, काफ़ी लोग ऐसे थे जो इंटरव्यू देना नहीं चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं कि भाई अगर हम लोग इंटरव्यू नहीं देंगे और किसी भी सोर्स वगैरह के द्वारा अगर हम लग जाते हैं, तो हमको वहाँ पर क्या रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी बंदा सोर्स से नहीं लगता है, अभी अभी जो टाइम है, यहाँ हर बंदे को इंटरव्यू देना पड़ता है भाई, कुछ भी सोर्स वगैरह नहीं चलता है। आप अगर कहीं पे काम करो, किसी भी जगह पे, चाहे दुबई जोड़ लो, चाहे कतर जोड़ लो, चाहे सऊदीया जोड़ लो, चाहे किसी भी जगह जोड़ लो, चाहे इंडिया जोड़ लो, कहीं पे भी सोर्स नहीं चलता है, हमेशा आप लोग को इंटरव्यू देना पड़ता है एक एक आनेस्टी से, यानी कि अपना जो क्वालिटी है बताइए, हम इसके बारे में एक्सपीरियंस हमारे है, यानी कि हमारे इसके बारे में एक्सपीरियंस है, जैसे कि हमको इंग्लिश आ रही है, वो लोग जब आप लोग का इंटरव्यू लेंगे ना, तो आप लोग का वो पता चल जाएगा कि आपकी जो नॉलेज है कितने पानी में है, यानी कि आप लोग कितना जानकार हो, कितना पढ़े लिखे हो। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू लेगा ना, वो काफ़ी ज़रा स्किल्स वाला होता है, आपसे ज़रा उसकी स्किल होती है, क्योंकि उसकी यहाँ पे लर्निंग बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हर बंदे से वो इंटरव्यू लेता है और कुछ ना कुछ सीख लेता है, तो आपसे भी सीखता है, लेकिन आपको ऐसा घुमा देगा ना, अगर आप लोग कम पढ़े लिखे हो, तो आपको पक्का फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे इंटरव्यू आराम से लगे, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरव्यू कैसे आप लोग क्रैश कर सकते हो इसी वीडियो में, क्योंकि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लियो ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरव्यू कैसे क्रैश कर सकते हो, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे कंपनी में जॉब करते हैं और इंटरव्यू पास हो जाते हैं बहुत से लोग। मैं पूछता हूँ, भाई आपने कैसे इंटरव्यू पास किया, बोले कि हमसे ये लोग पूछते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पूछते हैं इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, आप कहाँ के रहने वाले हो। मान लेते हैं अगर आप लोग इजिप्ट के रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैं देखता हूँ ना, इजिप्ट वाले रहते हैं, जो यहाँ पे मसरे लोग रहते हैं, इजिप्ट के रहते हैं, बोलते हैं भाई आप मसर के रहने वाले हो, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं आपने पहले कहाँ पे काम किया, ये सब कुछ नहीं पूछते हैं कि आपकी फैमिली क्या काम करती है, हमारे इंडिया में सब पूछते हैं सवाल, लेकिन यहाँ कुवैत में ये सब नहीं पूछते हैं कि आपकी फैमिली कौन सी बिलोंग से करती है, आपका फैमिली कल्चर क्या है, सब नहीं पूछते हैं, सीधा पूछते हैं कि आपने पास्ट में क्या काम किया है, जो यहाँ पर अभी काम करने के लिए आए हो, जो हमारी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो, तो आपको पूछेंगे। तो अगर आप कहीं पे काम कर चुके हो, तो पूरी आनेस्टी के साथ बताना, ऐसा नहीं कि उनको घुमाना, क्योंकि अगर उनको घुमाओगे ना, आप खुद घूम जाओगे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है हर चीज़ से रिलेटेड। और जो यहाँ पे बंदा इंटरव्यू देता है ना, जो लेता है सॉरी, वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि जानकारी रखता है, जो इंटरव्यू के द्वारा जो बातचीत होती है, ऐसा नहीं कि आप झूठ बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा,
वो जिंदगी में एक्सेप्ट करे नहीं करेगा नहीं। और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको हमेशा ऑनेस्टी के साथ इंटरव्यू देना है, चाहे आपका इंटरव्यू में हो या ना हो। मान लेते हैं अगर नहीं होता तो आप लोग कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो सकते हो, लेकिन जब भी आप लोग को इंटरव्यू देना है कहीं पर भी, हमेशा सच्चाई बोलना है, कुछ भी झूठ वगैरह नहीं बोलना है। जो आपके अंदर औकात है, जो आपके अंदर स्किल्स है, हमेशा उसी को बोलना है। मान लेते हैं मैं कहीं पे देखता हूँ ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू देते हैं, बाद में बोलते हैं कि हाँ 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 यस सर यस सर यस सर करते रहते हैं, और उनके सर से पूरी बात निकल जाती है। बाद में जो इंटरव्यूअर उसको पूछता है कि आपने हाँ हाँ बोल दिया तो इसका मतलब क्या होता है, बाद में उनको समझ नहीं आती, क्योंकि सारे बंदों को हाँ बोलना आता है लेकिन समझना बहुत ही कम आता है। तो चलिए बंद मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तब तक